हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 की मैथ्स क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं फॉर क्लास 9। ये हमारी सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ में। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन जो टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, रेशियोज, एजिस एंड प्रोबेबिलिटीज। सो ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज। सो इसके अंदर आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ो, आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा और वहीं से आपको हिंट मिलेगा। ओके सो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताया हुआ है। सो अगर आपको याद करना पड़ेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a² तो हमने इसको इसके बराबर रख दिया। हमको इसमें साइड पूछी है तो a हमारी इसके अंदर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास में और यहाँ पे जो कॉमन है √3 √3 इसको हम कैंसिल कर देंगे और ये 64 × 4 करेंगे हम, विच इज़ 256। और यहाँ से आप ए जो साइड है वो निकाल सकते हो, आप यहाँ पे जो है स्क्वायर्स याद होने चाहिए 20 तक, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था आपको। ओके सो यहाँ पे हमारे पास में साइड आ गई 16 जो कि है ऑप्शन हमारे पास में सी। ओके सो आप यहाँ से भी डायरेक्टली इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जो आप 64 × 4 करो आप तो 64 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, सो उनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास 16 ही आएगा। ओके जो उनसे आपको ईजी लगता है वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज। सो इसके अंदर आपको ऑप्शन से ही थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको आंसर किस तरीके का आने वाला है। तो ये इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ओके तो ये आपको 2 का स्क्वायर बन रहा है और ये a² + 2ab - b² इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a - b² अब ये a² - b² इक्वेशन बन गई और ये डिनोमिनेटर हमारे पास में सेम वैसा ही है। तो इसको हम थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे। सो ये a² है, ये b² है, सो a + b a - b। ओके सो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे वापस से तो ये जो टर्म्स हमारे पास में कैंसिल आउट हो रही हैं। ओके सो हमारे पास में क्या बचा, 2m - a + b। सो इसके अंदर ऑप्शन देखो आप तो ये आपको ऑप्शन पहला ही मिल रहा है। सो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। सो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस है, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो लेटेस्ट वीडियो आप तक डायरेक्टली पहुँच जाएंगी, बेल आइकन पर क्लिक करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स ए एंड बी इज 3:5। इफ ट्रेन बी रन्स 300 किलोमीटर इन 4 आवर्स द स्पीड ऑफ ए विल बी। यहाँ पे हमको स्पीड पूछा है किसकी, ए की, और हमको यहाँ पे जो स्पीड रेशियो दिया हुआ है 3:5। ओके तो हमको ये जो ट्रेन बी है इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, हमें किलोमीटर एंड आवर्स में दिया हुआ है
तो स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके सो स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 300/4, तो आपके पास में है 75 किलोमीटर पर आवर। ओके सो अब वापस अपने क्वेश्चन पर जाएंगे, जो रेशियो दिया हुआ है विच इज ए बी 3:5। अब यहाँ पे हमारा ए फाइंड आउट करना है, हमको बी पता है, सो ए फाइंड आउट करना है, बी हमको 75 पता है। सो बहुत सिंपल हो गया, अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास में। सो यहाँ से हमारे पास में बिल्कुल सिंपल है, अब हमारे पास भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ए की जो स्पीड है हमारे पास में 45 आ जाएगी। ओके सो ये ऑप्शन कौन सा हमारे पास में, ऑप्शन डी। ओके क्वेश्चन 14, 2 years अगो दिलीप वाज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन एंड 2 years हेंस ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 times दैट ऑफ हिज सन, द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड दिलीप आर। सो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो हमने यहाँ पर इलस्ट्रेट किया है, कुछ बताने की कोशिश की है, ये दिलीप है, ये उसका सन है। सो सबसे पहले जो कंडीशन, आप क्वेश्चन वापस पढ़ो, 2 years अगो, अब यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, यहाँ पे रुक जाओ आप, 2 years अगो। ओके ये हम 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, दिलीप वाज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन एंड ये हम बाद में देखेंगे, दिलीप वाज 3 years ओल्ड एज हिज सन। अब देखिए ऑप्शंस में जाना पड़ेगा हमको, तो ये हमारे पास में 4 ऑप्शन में, 4th नन है, तो ये 3 ऑप्शंस में से हमको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पहले जो ऑप्शन है उसको लेते हैं और देखते हैं ये सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को कि नहीं। ओके 2 years अगो दिलीप वाज 3 years एज ओल्ड एज हिज सन। ओके एंड 2 years हैंस, अब 2 साल पहले की क्या कंडीशन थी, यानी कि 14-2 = 12 और 38-2 = 36, यानी कि 2 साल पहले जो दिलीप है उसकी उम्र थी 36 और उसका सन की उम्र 12 एंड 2 year हैंस। अब वो बता रहा है कि अब क्या हो जाएगा, 2 year हैंस ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 times दैट ऑफ हिज सन। ओके तो अब 2 year हैंस, अब यहाँ पे 3 times है कि नहीं, सबसे पहले चेक करो, ठीक है 3 times है, 12 से 36, 3 times है कि कंडीशन हमारी सही हो रही है। 2 years हैंस, अब 2 साल बाद क्या होगा, 14+2 = 16 सन उसका, और जो दिलीप की उम्र है वो हो जाएगी 40 की। ओके 2 year हैंस ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 times, अब इसकी एज को हम ट्वाइस कर देते हैं, यानी 40 का 2 times 80, अब ये ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 times ऑफ हिज सन, अब इसके 5 times है क्या नहीं है, बिल्कुल है, 16 × 5 = 80। सो ये जिस कंडीशन है वो पहली ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है, तो जिससे कि हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। सो आंसर इसका है ए। ओके क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन से ही आपको सारा हिंट मिल जाएगा। 15th क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस इज, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूछा है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो आप, कंफ्यूजिंग करने वाला है बट बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 7, अब 7 तो होता ही नहीं एक डाइस के अंदर, डाइस के अंदर तो 6 होते हैं बस, अगर आप उसको थ्रो करो जितने बार मर्जी करो तो मैक्सिमम 6 ही आएगा। सो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, सो इसका आंसर क्या होगा, 0। ओके तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट है इसलिए हम इसको 0 बोलेंगे। ओके सो ये हमारे आज के 5 questions थे इस वीडियो के अंदर। आप जो पुरानी वीडियोज हैं हमारी उसके अंदर आपको सारे पुराने क्वेश्चन मिल जाएंगे और आने आगे वीडियो के लिए आपको सारे आगे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप हमारे पास में कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, क्वेश्चन भी ड्रॉप कर सकते हैं, और जो पुरानी वीडियोस हैं उसका लिंक भी हमारे पास में अवेलेबल है। हमारा इसके अंदर एक व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना क्वेश्चन क्वेरीज व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमको, आप हमको टेलीग्राम भी कर सकते हो और अदर मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हम अवेलेबल हैं। सो आप हमको वहाँ पर भी क्वेश्चन अपने पोस्ट कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमको ज़रूर बताएँ, अगर आप क्वेश्चन हैं सजेशन हैं तो हमको ज़रूर पोस्ट करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।